नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि Facebook लाइट में Facebook को हमेशा के लिए कैसे डिलीट करते हैं, कैसे उसे डीएक्टिवेट करते हैं। दोस्तों अगर आपका Facebook से एकदम दिल उब गया है और चाहते हैं आप उसे हमेशा के लिए डिलीट करना, तो जानेंगे आज की इस वीडियो में कि कैसे उसे हमेशा के लिए डिलीट करते हैं। इसके लिए हम ओपन करते हैं अपने Facebook लाइट ऐप को। यहाँ पर हम Facebook लाइट को ओपन कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपके फ़ोन में फेसबुक है या फिर फेसबुक लाइट है, दोनों में तरीका सेम है। आप दोनों में इस तरीके से अपने फेसबुक अकाउंट को डीएक्टिवेट या फिर डिलीट कर सकते हैं। फेसबुक अकाउंट को डिलीट करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इस तीन लाइन पे। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और तीन लाइन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रोल डाउन करके आइएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स का। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे फिर से आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आ जाना होगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल। यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, डीएक्टिवेशन एंड डिलीटेशन। और इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है मैनेजिंग योर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा डीएक्टिवेशन एंड डिलीटेशन पे। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे फिर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप अपने अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट नहीं करना चाहते, टेम्प्रोरी सिर्फ डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर टिक रहने दीजिएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारी फेसबुक अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट हो जाए, हम इसे कभी भी यूज नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ पर टिक कीजिएगा और इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा कंटिन्यू। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ रीज़न मिलता है कि आप अपने अकाउंट को क्यों डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप कोई रीजन चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय द वे आप क्लिक कीजिएगा कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीटेशन। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद फिर से आप नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन। अगर आपके फेसबुक में कोई चैट, फोटो और वीडियो है, आप उसे फेसबुक पर अपलोड किए हैं, तो आप अगर चाहें तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं, आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, तो आप क्लिक कीजिएगा डिलीट अकाउंट। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे दोस्तों आपका फेसबुक का पासवर्ड फिर से पूछा जाता है, तो आप अपना फेसबुक का पासवर्ड यहाँ पे इंटर कीजिएगा। इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा कंटिन्यू। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। अब देखिए यहाँ पे लिख रहा है कन्फर्म परमानेंट अकाउंट डिलीटेशन, मतलब कि ये जो आपकी अकाउंट है ये परमानेंटली डिलीट होने वाला है। और यहाँ पे नीचे में कुछ नोट लिखा हुआ है कि अगर आप अपनी फेसबुक अकाउंट डिलीट करने के बाद 30 दिन के अंदर अगर आप इसे साइन इन नहीं करते, दोबारा आप इसे लॉगिन नहीं करते हैं, तो आपकी अकाउंट 30 दिन के बाद डिलीट हो जाएगी। अगर अकाउंट डिलीट करने के 30 दिन के अंदर में आप कभी भी इसे लॉगिन करते हैं, तो फिर आपका फेसबुक अकाउंट रीओपन हो जाएगा। तो अगर आप अपनी अकाउंट को परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं, तो डिलीट कर देने के बाद आप इसे 30 दिन तक कभी भी लॉगिन मत कीजिएगा। इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा अकाउंट डिलीट पे। अब दोस्तों यहाँ से आपकी फेसबुक अकाउंट डिलीट हो जाता है, मगर आपको एक बात यहाँ पे बता दूं कि अगर आप इसे 30 दिन के अंदर में दोबारा लॉगिन कर लेते हैं, तो फिर आपका फेसबुक अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके काम की होगी और आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।